तो आज मैं आप लोगों को कुछ अलग टाइप का कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि कुछ देर पहले मुझको ये मिला है और इसका एक खास बात है, वो है जो इसको पहनता है सिर्फ एक ही क्रिएचर पे वो बदल सकता है। जैसे कि ओम्निट्रिक्स था, हम लोग बचपन में बेन 10 देखते थे, वहाँ पर बहुत सारा एलियन मालूम है तेरे होता बाप को मत सिखा। था। बट जो इसको पहनता है वो सिर्फ एक ही क्रिएचर में बदल सकता है और वो क्रिएचर ये वॉच खुद डिसाइड करेगा कि मैं कौन सा क्रिएचर में बदल सकता हूँ। वो मैं नहीं डिसाइड कर पाऊँगा, ये डिसाइड करेगा। बहुत लोग बोलता है कि इंसान का पर्सनालिटी के ऊपर ही ये वॉच डिपेंड करता है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इंटेलिजेंट है, तो ऐसे बंदे शेर या फिर फॉक्स ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब जो उसका नेचर है, बेसिक नेचर है जैसा है, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कौन सा क्रिएचर पे ट्रांसफॉर्म होऊंगा इससे। आशा करता हूँ टाइगर होऊंगा, नहीं तो लायन होऊंगा बा ड्रैगन ऐसा कुछ। मुझे जो लगता है मैं अंदर से ऐसा ही कुछ हूँ। तो देखते हैं ये वॉच मुझे क्या करता है। टैन टैन बैकग्राउंड म्यूजिक, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। टैन टैन अबे यार ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे तो बंदर हो गया। अरे मेरा पर्सनालिटी बंदर जैसा है क्या? नहीं माता आ गया काम से। रुक क्या क्या करूँगा इस बंदर लाइफ लेके। ओ वहाँ पर एक बिल्ली है साला, मेरा मछली खाता था पहले। रुक उसको ही मैं देखता हूँ। रुक 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 बोल बिल्ली तेरे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? आ दिखा दो थप्पड़ ले साला, मेरी मछली खाता था। भाई 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 भाई, छोड़ और नहीं कहूंगा भाई, छोड़ दो छोड़ दो, इस बार छोड़ दो भाई, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा भाई मैं, भाई। रुक मैं तुझको WWE अच्छे से बेस्ट मार दूंगा। रुक द पास टू पास, अबे काटा है बो माता फोड़ दूंगा तेरा। अब तेरी बारी, उसको तो मैं बहुत धोया था। अब तेरे, रुक तेरा पैर उठा के तुझको पटकूंगा मैं। और तू क्या खाया था मेरा? हाँ मेरा मिष्टी खाया था, मेरा बहुत कुछ खा लिया था। रुक तेरा पैर, अरे यार फोड़ दूंगा तुझको। रुक तो फिलहाल तो मेरा ऑमेटिक्स का बैटरी लो हो गया है, इसके लिए मैं नॉर्मल हो गया। फिलहाल तो उस बिल्ली का मैं हालत पूरा खराब कर दिया, माथा पूरा खराब कर दिया। सॉरी मेरा माथा खराब हो गया, नहीं, मैं उसको मार के माथा खराब कर दिया उसका। और अभी मैं आके बैठ गया हूँ मेरा चेयर पे, फिर से ड्राइंग स्टार्ट करूँगा। मैं ड्राइंग करते करते थोड़ा पक गया था, इसके लिए मैं सोचा चलो कुछ कर लेते हैं, तो कर लिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो ये नॉर्मल वीडियो है, मैं जानता हूँ आप लोगों को लगे कि मैं पागल हो गया कुछ एकदम, बट मैं ड्राइंग करते करते थोड़ा पक गया था और सोचा चलो एक अचानक मैं मेरा वॉच देखा हूँ और अचानक मुझे ऑमनीट्रिक्स के बारे में याद आया। क्योंकि मैं जब छोटा था तब मैं बेन 10 बहुत देखता था, तब तो उतना एवेंजर्स के बारे में मैं नहीं जानता था और ऐसा कुछ नहीं देखता था एवेंजर्स से, फिर कार्टून में बेन 10 ही देखता था। तब अचानक से मेरा माथा पे आया कि चलो इससे एक बेन 10 को वॉच कर लेते हैं, कागज़ से पेंटिंग करके, तो उसके बाद एक वीडियो भी कर लेते हैं। तो कर लिया, जब रिकॉर्ड हो गया तब मैंने सोचा चलो मेरा ब्लॉग वाले चैनल पे अपलोड भी कर देते हैं, तो मैं कर रहा हूँ अभी। तो अनलाइक करके जा सकते हो।